सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा, जब कोरोना का संकट छाया हुआ था तब कमलनाथ को आईफा अवार्ड की चिंता थी। जैकलिन फर्नांडिस को लेकर सभी के साथ उनका मिलना था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय भी तथा कोरोना काल में भी एक मरीज पर 64,000 से 66,000 रुपए तक खर्च किए और सबकी चिंता की और आज भी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आईफा अवार्ड और जैकलिन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। भदौरिया ने कहा, कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबकी चिंता की। उन्होंने कहा, कमलनाथ जी ने बोला था 4,000 रुपए बेरोजगारों के खाते में डालेंगे। आपकी सरकार थी, आपने एक भी बेरोजगार के खाते में पैसे नहीं डाले और ना ही किसी को नौकरी दी। कमलनाथ जी नौटंकीबाजी कबूतरबाजी ना करें, क्योंकि युवा समझदार भी हैं। उस समय वे आपकी भावनाओं में आ गया था, लेकिन अब वे प्रश्न कर रहा है कि पिछली सरकार में आपने क्यों भर्तियां नहीं निकाली, क्यों बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। भदौरिया ने कहा, राहुल गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी की कांग्रेस अलग है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मध्य प्रदेश की जनता पूछेगी कि कमलनाथ जी का बयान कितना सही है, और मैं स्वयं आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी से पूछना चाहूंगा कि आप कमलनाथ जी के बयान से कितनी सहमत हैं? मूल रूप से मुंगेरी लाल ही हैं वो, क्योंकि जब कोरोना का संकट छाया हुआ था उस समय उन्हें आईफा अवार्ड की एक्स्ट्रा चिंता थी। जैकलिन फर्नांडिस से लेकर सभी के साथ उनका फोकस वहाँ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उस समय भी कोरोना के काल में भी एक मरीज पे 64,000 से 66,000 रुपए खर्च किए, ना उसमें गरीब देखा ना अमीर देखा। जो आया उस सबकी चिंता की और आज भी कर रहे हैं। सभी की चिंता, सभी के स्वास्थ्य की चिंता, जीवन की चिंता करने वाले हमारे लाडले नेता शिवराज सिंह चौहान हैं। राहुल गांधी बड़े दुखी है, एक्चुअली भारी दुखी है। देश का नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा, कोई विषय को कहते हैं, पहली बार तो उन्हें ठीक से विषय को उनको लगा, ये मानते नहीं हैं, तो इन फाइटिंग है कांग्रेस की। इसलिए राहुल कांग्रेस अलग है, कमलनाथ जी कांग्रेस अलग है। इनके कद बड़े बड़े हैं, उनके कद से ऊपर हो गए। हमारे संगठन में तो क्लियर रहता है, जिसको कहते हैं ना, मुखौटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन फ्रेम के अंदर ही रहेगा। फ्रेम यानी पार्टी है, फ्रेम यानी हमारी पार्टी है, उस पार्टी के ही एजेंडे पे लोग खड़े रहेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।